सुनिए, एक भक्त माँ के दरबार में पहुंच गया। देखिए, भाव होना चाहिए। अगर भाव होगा तो इस माइक में मैया है ना, तो आके रहेगी। भाव होना चाहिए। जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े अकबर, जिसने सोने का छत्र चढ़ाया और माँ ने धुतकार दिया, रे अकबर तेरे छत्र को मैं मान रही हूँ, जो पल में राख बना दिया उस माँ ने, ऐसी भगवती आज उनके चरणों में हम बैठे हैं, बड़ा सौभाग्य है हमारे। तो मैं आज आपके इस पावन प्रांगण में माँ आई है, मैं कुछ शब्द कह रही हूँ। हर भक्त की ये फरियाद होती है, क्या चाहूंगी। अरे दो लेना मेरे मन खाइयो, हे कागा मेरे दो नैन मत खाना, पता नहीं कब मैया आ जाए। अरे मेरे दो नैना मत खाइयो, अरे मोए माता मिलन की। मैं जब मर जाऊं तो मेरी माँ आ जाए, रे कागा इतनी कृपा कर देना। और एक भक्त, आप में से कुछ भक्त मांगने आए होंगे, कौन कौन मांगने आए? देखो मैं तो मांगने आई हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, मांगती हूँ, मैं तो कहती हूँ। एक भक्त आप जैसा पहुंच गया माँ के दरबार और माँ से कहता है, माँ मैं तो तेरे दरबार में हर बार आता हूँ माँ, मगर तू क्यों नहीं आती? क्या खता की है मैंने? अब तक नाच कर मना रहे थे, अब भाव से मनाई। क्या खता की है मैंने जो तू मेरे घर नहीं आती और मैं तेरे दरबार हर बार आता हूँ? और वो भक्त रो रो कर फरियाद करने लगा, हे माँ, कहने लगा क्या? मैं तो आता रहा, तेरे दर पे सदा, हो मैया तुझको बुलाने को मेरी माँ, हो मैया तुझको बुलाने को मेरी माँ, हो मैया तुझको हो मैया, मंदिर में रहती हो मैया, कभी बाहर आया जाया करो, कभी बाहर भी आया करो मैया, मंदिर में ही रहोगी। मंदिर में रहती हो मैया, कभी बाहर आया जाया करो, और मैं रोज तेरे घर आती हूँ, मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आओ। और कहने लगा क्या? मैं तो आता रहा तेरे दर पे सदा, आओगी कब भला,
देखा माँ, इसीलिए माँ अपनी सूरत दिखा। मैं देख रही हूँ कुछ भक्तों की आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये आंसू नहीं ये भाव है जो हृदय से खुद पर खुद निकलते हैं। जब माँ के दरबार में बैठते हैं ना, ये भाव निकल जाता है। हे माँ, बस अपने चरणों में जगह देना, कहीं मत देना, मुझे तेरे दिल में नहीं चाहिए, बस अपने चरणों में जगह मुझे दे माँ। अरे दुनिया ने बड़ा सताया, इसीलिए तेरे दरबार आया हूँ। दुनिया ने ठुकराया, पर तूने मुझे गले से लगाया माँ, और कहने लगा क्या, ओ तेरी मूरत तो है बाल से अपनी सूरत तो लाके I'm gonna make you mine।
मुझे देते हैं मेरे भजन पर खुश होकर। माता रानी इनके भंडारे भरे और ये हमेशा ऐसी जगराता कराते रहे, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी जागरण कराए। हम रहे ना रहे लेकिन बाला सुंदरी मंदिर रहना चाहिए, हम रहे ना रहे जगराता होना चाहिए। मंदिर कमेटी ने कहा है कि अगले साल भी सुरभि शर्मा जी आएंगे, ये तो मेरा सौभाग्य है। ऐसे ऐसे भक्त मिलते हैं। रहता मैं दूर हूँ,